नमस्कार पलाक और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कश्य आप लोग, उम्मीद कर लू की सब लोग ठीक है नला। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं मैं हूँ पूनम नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, और सुबह सुबह तैयार होकर के मैं कहाँ जा रही हूँ आपको बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ हल्द्वानी मायके, पहले मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं आप लोग को बता रही हूँ बहुत दिनों से मेरे सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब यहाँ यहाँ, कभी यहाँ और कभी यहाँ बैक पे इतना दर्द रहता है, मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। दर्द सही नहीं हो रहा है, मुझे लगा सही हो जाएगा। मैंने एडिटिंग का काम जो है रात को छोड़ के सुबह करना शुरू करा तो भी सही नहीं हुआ। मैंने अपनी नींद भी पूरी करी फिर भी सही नहीं हुआ। और मैंने सोचा कि मैं कोई टेंशन तो नहीं ले रही हूँ, कोई टेंशन भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि सिर दर्द हो क्यों रहा है। तो आज मैं वही दिखाने जा रही हूँ और बाकी पाँव भी दिखाने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना मेरी छोटी उंगली में लगी हुई है, तो उसका एक्सरे करूँगी, देखूँगी हो क्या रहा है उसमें। तो इसलिए मैं जा रही हूँ, जाना पड़ा है क्योंकि सिर दर्द की वजह से। पाँव के लिए तो मैं बाद में भी चले जाती, लेकिन सर दर्द मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसलिए जा रहे हैं। बाकी सामान मेरा सारा चला गया ऊपर। अभी मैं और शुभी हैं और निकू है नीचे, और हमें छोड़ने के लिए आ रही है मम्मी। बस तो हम इतनी ज़्यादा देर हो गई, बस आ भी गई, हमें पता ही नहीं चला। निकुल आ रहे हैं शुभी को, ये देखो बस आ चुकी है। तो बस में बैठ गए हम लोग, इतनी देर हो गई थी ना, फिर पापा निकुल सब ने हेल्प करी और गाड़ी वाले भैया ने भी रोक दिया था। मम्मी टीका लगाना शुरू हो गया, आप तो लगा लेते पहले। शुभी शुभी अपना पीकू भी पकड़ के ला गई है। तो अभी ना सुबह के 10 बज गए और हम पहुंच गए हैं कमल बगाजा पे। तो अब चलते हैं घर को सीधा, पापा हैं लेने के लिए। इतना सिर दर्द हो गया ना पूरी बस में बैठ के। हम तो पहुंच गए हम लोग घर पे। सामान निकालते जल्दी क्योंकि रोड में जगह नहीं है ना गाड़ी खड़ी करने की, तो पापा गाड़ी लेके जाएंगे अभी कहीं और। हाँ पापा निकाल दिया, पहुंच गए हम लोग घर पे। आप पीछे काम लगा हुआ है। भाग चले शुभ नानी, कैसे हो आप? नानी बचपन में के कमरे में आ गए रे, है ना? ये मेरा बच्चा बीपी लो जा, चक्कर आएगा। मैं कॉफी, तुम्हें पता है कॉफी पसंद नहीं करती हूँ। पापा कहे? पापा छत में, उनसे कल उन्होंने काम खराब कर रखा है परसों। ये घर की गुजिया है? घर की है बल्कि इतनी है। तो अभी ना 11 बज गया है और अब जाने लग गई हूँ मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। मेरा शुभी बच्चा, शुभी को दादी और नानी के पास छोड़ के जा रही हूँ ना शुभी। हाँ अपना बाय 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 बाय, अपना ख्याल रखना, मम्मा अभी आएगी ठीक है। चलो चलते हैं, अपना चश्मा भी पकड़ लिया मैंने, पुराना वाला जो चश्मा था मेरा। अभी आ जाएगी मम्मा ठीक है, अभी आ जाएगी। मम्मा अच्छे से दिखा के आना, बोलो ना अच्छे से दिखा के आना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बाय 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 बाय, मम्मा बाय, नाना जी बाय बाय बच्चा। तो चलो फिर चलते हैं। हाँ मम्मी, हाँ वैसे भी ना देर भी जाएगी, तुम रख देना। तो चलो फिर चलते हैं हम लोग। स्कूटी से जा रहे हैं मैं और पापा, क्योंकि गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत होती है बाजार में। यही दृष्टि हॉस्पिटल है ना दुर्गा सिटी सेंटर में, वहाँ दिखाएंगे। पापा हेलमेट अच्छा उसके अंदर है, कपड़ा। घर में काम चल रहा है ना, तो इस वजह से सारे गमले उमले सब यहाँ रखे हुए हैं। ये देखो धूल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है आजकल। आम के पेड़ों में बोर देख रहे हो कितना आ रखा है इस बार। पापा दवाई हवाई इसमें टाइम से डाल दी? अच्छा 200 रुपए की दवाई डाली इसमें। अच्छा और फिर और आएगी जब आने लग जाएंगे फल। हाँ आराम से
चलो तो हम पहुंच गए हैं दुर्गा सिटी सेंटर। पीछे देखो दुर्गा सिटी सेंटर है, दिखाते हैं। चलो तेरे कार्ड लगी होगी। बाप रे भीड़ देख रहे हो, खतरनाक भीड़ हो रही है। पापा खड़े हैं लाइन पे। ये देखिए यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है ना, पता नहीं हमारा नंबर कब आने वाला है। तो अभी ना लंच टाइम हो गया, 2 बज गया है, तो अभी नंबर नहीं आया मेरा। और मेरा आंख में दवाई डाल रही थी, मुझे कुछ दिख रहा है, बहुत धुंधला दिख रहा है। तो अभी 1 या 1.5 घंटे तक उनका लंच चलेगा, तो तब तक हम फर्स्ट फेयर जाके आते हैं। सीधी का थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। पापा जा रहे हैं फर्स्ट फेयर में, मैं धूप में आ गई हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अंदाजे से पापा के पीछे पीछे जा रही हूँ। मीटर भी खराब हो गया था। अरे तो पहुंच गए हम लोग फर्स्ट ट्राई पे। ये रहा फर्स्ट ट्राई। तो फर्स्ट ट्राई का काम हो गया हम लोग का। आप जाते हैं सीधा हॉस्पिटल। पता नहीं भी टाइम कितना हो गया, 2:30 बज गया है, तो शायद उनका लंच ब्रेक ख़त्म हो गया हो। चलो 5 मिनट पर पहुंच गया हम फिर से दुर्गा सिटी सेंटर। ये लो बाबा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है फर्स्ट ट्राई। खाना भी नहीं खा रखा है, सुबह से खाना नहीं खाया है। बस दिन में मम्मी ने जब पहुँचे थे हम, कॉफ़ी और गुजिया दी थी, वही खाया है। बाकी सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो भूख भी लग गई है। आराम से करो। तो शाम के ना 3:15 हो गए हैं, और दवाई ले लिए, दिखा दिया डॉक्टर को। अब चलते हैं सीधा घर को। अभी थोड़ी मेरी आइज़ ठीक है, क्योंकि दवा डाले हुए बहुत टाइम हो गया ना, तो अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। वरना ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था मुझे। अब चलते हैं मैं और पापा सीधा घर को। तो 3:30 बज गया है और हम पहुँच गए हैं घर पे। पूरा दिन आज ना हॉस्पिटल में ही चला गया। अभी और बुला रखा है, 1-2 दिन बाद फिर जाना है आगे। 3:30 से भी ज़्यादा हो गया टाइम। सो गई थी, परेशान तो नहीं किया शुभी ने? सो गई टाइम का दूध पी थी अब। तो चलो शुभी भी सो गई है, और हम लोगों ने खाना नहीं खाया सुबह से, तो हम लोग खाना खाते हैं। शुभी तो सोई हुई है वहाँ पे बेड में। तो अभी शाम का ना 7:15 हो रहा है, और अब जा करके ना थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ मैं, वरना मेरा इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था ना, तो मैं रेस्ट कर रही थी, शुभ के साथ ही बैठी हुई थी। अब जाके फ्री हुई हूँ। डॉक्टर ने वैसे एक आई ड्रॉप दे रखी है मुझे, ये वाली आई ड्रॉप दे रखी है। 3 टाइम लगाना है, 3 टाइम दोनों आँखों में। और दृष्टि हॉस्पिटल में दिखाया था, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ पे। तो देखो क्या होता है। 3 दिन तक तो उन्होंने बोला कि लगातार ये ड्रॉप लगाओ, और उसके बाद फिर दिखाना। हो सकता है मेरा चश्मे का नंबर बढ़ गया हो। सबसे बड़ी गलती मेरी खुद की है, मैं और क्या ही बोलूँ ना, कि मैं चश्मा कभी पहनती हूँ कभी नहीं पहनती। मेरे जो एडिटिंग का काम है ना, वो डेली रात को ही होता है। कभी कभी मैं सुबह करती हूँ, वरना रात को रहता है। और क्या होता है, मैं कभी चश्मा पहनती हूँ कभी चश्मा नहीं पहनती हूँ। और आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल काला काला होने लग गया यार, ये देखो। मतलब मैंने थोड़ा सा अपने लिए बहुत लापरवाही दिखा दी है। अब मुझे थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा अपनी आंखों का।
एक तो चश्मा पहन के काम करना पड़ेगा, दूसरा क्या है कि डॉक्टर मुझसे बोल रहे थे कि लेटे लेटे कभी भी मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, लेट के यू मोबाइल चलाते तो हमारी आंखों में बहुत प्रेशर पड़ता है, तो लेटे लेटे मोबाइल नहीं चलाना है। दूसरा, जब भी काम करना है बैठ के करना है मुझे, और चश्मा लगा के। जिसको भी चश्मा लगा है ना, तो प्लीज लापरवाही मत करना मेरी तरफ। मैंने बहुत ज्यादा लापरवाही दिखाई, मैं चश्मा कभी पहनती थी कभी नहीं पहनती थी। हाँ, जब मैं लैपटॉप के आगे काम करती थी तब तो मैं चश्मा पहनती थी, लेकिन मोबाइल के आगे मैं चश्मा भूल जाती थी कभी, क्योंकि कभी भी हम मोबाइल पकड़ लेते हैं, जब मुझे मौका मिलता है मैं तब काम करने लग जाती थी। तो इस वजह से मेरा बहुत ज्यादा सिर दर्द रहा कभी, मतलब यहाँ होता था यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब पूरे दिन भर लगा रहता था। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया सिर दर्द को, मैं बोलती नहीं थी, हल्का हल्का कभी घर में बता देता हूँ कि सिर दर्द हो रहा है, समझ में आता था कि क्यों हो रहा होगा सिर दर्द। तो अब जाके पता चल रहा है कि आंखें वीक हो रही है, इस वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा था। तो ऐसी है, तो कोटाबाग से मम्मी आई थी हमें छोड़ने के लिए, तो मम्मी तो चले गई थी, हम लोग हॉस्पिटल गए थे, तो तब कोटाबाग वाली मम्मी चले गई थी खाना खा पी करके, क्योंकि वो कब तक वेट करती है हमारा। मम्मी वैसे हमें छोड़ने के लिए आई थी, बस मम्मी देख रही थी कि अगर ये लोग भी टाइम से आ जाते तो मैं देख लेती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया आने में, मम्मी को भी कोटाबाग जाने के लिए लेट हो जाता ना, तो इसलिए मम्मी चले गई। और हल्द्वानी वाली मम्मी, मतलब मेरी यहाँ की मम्मी, ने मेरी फेवरेट दाल बनाई थी, मुझे साबुत मिक्स दाल इतनी ज़्यादा पसंद है ना, तो साबुत मिक्स दाल बनाई हुई थी, बताती हूँ आपको। ये देखा, मैंने तो मम्मी से बोला कि फ्रैंक नमाती से मैं भी रात को भी खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। और शुभि को भी मैंने सुला रखा है, वो सोई हुई है। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।